नमस्कार, आकाश भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। जनपद में प्रत्येक ग्राम सभा में पंचायत सहायकों की नियुक्ति की गई है ताकि योजनाएं और योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुंच सके और लोग आवश्यक योजनाओं का लाभ, जैसे पेंशन योजना या अन्य योजनाओं का लाभ, यहां ऑनलाइन करा करके ले सकते हैं। जनपद में पंचायत सहायकों की लगातार शिकायतें आ रही थी कि वो समय से बैठते नहीं हैं, आते नहीं हैं, चार चार पाँच पाँच दिन नहीं आते हैं। इसकी पड़ताल करने के क्रम में हम इस समय जनपद भदोही के ब्लॉक अभूली के दशवतपुर ग्राम सभा के पंचायत भवन पर मौजूद हैं और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ताला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं अभी मेन गेट पे ताला लगा हुआ है और ये नाम भी लिखा हुआ है, पंचायत सहायक गीता यादव, और यहाँ कोई मौजूद नहीं है। सबके नाम से महीने भर में सैलरी उनको रिलीज़ हो जाती है, पैसा उनको मिल जाता है, लेकिन काम के नाम पर लोग नदारद रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, अधिकारी किस तरह की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसमें सचिव को इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब क्यों नहीं आई हैं ये तो वो अधिकारियों को स्पष्टीकरण दें, लेकिन हम यहाँ पर आए देखने के लिए तो यहाँ पंचायत सहायक मौजूद नहीं है, इवन इस पर ताला लगा हुआ है। तो ये जो योजनाओं की पहुंच जनता तक बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं एक छलावा है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और जनपद के आला अधिकारियों को ऐसे कर्मचारियों पर, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है जो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। लाखों की लागत से बनाए गए पंचायत भवन जिसपे लोगों की समस्याओं का समाधान होना है, इस पर ताला लगा हुआ है। इवन इस पर पंचायत सहायक को बैठना चाहिए, पंचायत सहायक भी यहाँ से गायब हैं। मैं चाहूँगा जनपद के आला अधिकारियों से कि वो इस मामले पर कार्रवाई करें। इसी क्रम में हम अन्य जो पंचायत भवन हैं वहाँ पर पंचायत सहायक बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, इसकी भी जांच पड़ताल हम आपको दिखाएंगे। इस समय हम खड़े हैं अभूली ब्लॉक के पंचायत भवन चकगुमानी पर और योजनाओं की स्थिति क्या हो सकती है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमने हेलमेट इसलिए लगा रखा है चूँकि धूप है और ये गेट खुला नहीं है, गेट पे ताला लगा हुआ है। और अंदर हम आपको दिखाना चाहेंगे, अंदर देखिए वो पंचायत भवन बना हुआ है। ये पंचायत भवन का मेन गेट है, बंद है। लोगों से जानकारी हुई कि ये अक्सर बंद रहता है, मैडम यहाँ आती नहीं है जिनकी नियुक्ति है यहाँ पर। मैं चाहूँगा कि अधिकारी इस पर मॉनिटरिंग करें, अगर इस तरह से योजनाओं का लाभ लोगों को मिलेगा और घर बैठे लोग सैलरी लेते रहेंगे तो फिर शासन का जो सपना है कि लोगों तक ये सुविधाएँ पहुँच सकें वो कहीं ना कहीं धराशायी होता दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आज तारीख है 18 जून 2024 दिन मंगलवार, समय हो रहा है 12:15 का और पंचायत सहायक गायब है, कुंडी लगी हुई है। और ऊपर आपको दिखा दें कि ये ग्राम पंचायत सचिवालय विजयपुर ब्लॉक अभूली जनपद भदोही। अगर इस तरह से योजनाओं का लाभ लोगों को मिलेगा, अब सोचिए जरा, तमाम योजनाओं की जानकारी के लिए अलग अलग योजनाओं में ऑनलाइन के लिए CHC केंद्र पर पंचायत सहायक की नियुक्ति की गई है ताकि वो लोगों को जानकारी प्रदान कर सकें। और ज़्यादातर पंचायत भवनों से पंचायत सहायक नदारद दिख रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो अधिकारी मॉनिटरिंग करते हैं, क्या ये केवल ऑफिसों तक बैठकर मॉनिटरिंग करते हैं? अगर इस तरह से कार्रवाई करनी है, इस तरह से योजनाओं का लाभ पहुँचाना है, इस तरह से जनता के पैसे को की बंदरबांट करनी है तो फिर ये कैसे चलेगा? मैं चाहूँगा जनपद के आला अधिकारियों से कि इस मामले पर ध्यान केंद्रित करें और ऐसे लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई करें। जनपद भदोही ब्लॉक अभूली ग्राम सभा बीरमपुर, यहाँ भी पंचायत भवन तक तो हम पहुँच ही नहीं सकते क्योंकि मेन गेट पर ही ताला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, ये दिखा दें आपको कि मेन गेट पर यहाँ ताला लगा हुआ है, तो पंचायत भवन के अंदर तक तो हम जा ही नहीं सकते। और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि अभूली ब्लॉक के हम ये चौथे पंचायत भवन पर पहुँचे हुए हैं और स्थिति बद से बदतर है। अब बद से बदतर इसलिए कहा जाएगा क्योंकि तमाम योजनाएं लॉन्च होती हैं, योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने के लिए पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है ताकि वो शाम तक बैठें यहाँ 5 बजे तक और लोगों की समस्याओं को सुने। लेकिन नमस्कार, ग्राम सभा में पंचायत सहायक के कार्य क्या हैं, पंचायत सहायक मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं, इसकी जानकारी लेने के लिए इस समय हम अभूली ब्लॉक के 5वें गांव में पहुंचे हुए हैं। ये गांव है लोकमनपुर। ग्राम सभा लोकमनपुर में भी
पंचायत भवन पर ताला लगा हुआ है। आज तारीख है 18 जून 2024 और समय हो रहा है 12:40। ये समय हो रहा है 12:40 और तारीख है 18 जून 2024। ये देख लीजिए, आपको दिखा दें, ताला लगा हुआ है और ये घड़ी में देख लीजिए 12:40 हो रहा है। ये पंचायत सहायक ज़्यादातर गांवों से गायब हैं। पहले इनकी नियुक्ति पर ही सवाल उठाए गए थे कि आखिर इनकी नियुक्ति किस आधार पर हुई है। इसलिए कहा जाता है कि जो प्रधान के चहेते थे उनकी नियुक्ति इसमें की गई है, और यही कारण है कि वो पंचायत भवनों पर उपस्थित नहीं रहते हैं, केवल तनख्वाह उनको मिल रहा है, जो भी उनका मानदेय है उनको मिल रहा है, लेकिन वो उपस्थित नहीं रहते हैं। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं आकाश भूमि न्यूज, मैं हूं दीपक मिश्रा।